हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। पराठा हम सभी बहुत पसंद करते हैं। अगर ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो तो इनकी बात ही अलग है। इसीलिए आज मैं जो पराठा रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसमें मैंने दो तीन तरह की वेजीज़ को यूज़ किया है एंड पनीर भी इंक्लूड किया है, जिससे ये बहुत ही टेस्टी हैं, साथ ही साथ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। इसलिए आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले डो लगाएंगे तो मैंने ये आटा ले लिया 1 बाउल, ये अजवाइन डाला है मैंने इसमें और थोड़ा सा सॉल्ट, और ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे इस तरीके से। अब स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये वीट रूट ली है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये कैरेट है और ये अनियन जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये जिंजर है ग्रीन चिली जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था एंड ये गार्लिक है, ये भी ग्रेट कर लिया था। ये पनीर है, थोड़ा सा 100 ग्राम पनीर होगा जिसको मैंने क्रश कर लिया है एंड ये गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ये थोड़ा सा हींग डाला है एंड ये जीरा है, ये थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ये वाइट सॉल्ट, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और वेजीज भी जो आप पसंद करते हो वो इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा सा ये हरा धनिया डाला है क्योंकि इसका अपना एक अलग टेस्ट होता है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा सा धनिया डाला है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अच्छे से इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे और जो मैंने डो लगा के रखा था उसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर लिया मैंने। और अभी ये थोड़ी सी लोई की लेके और इस तरीके से थोड़ा बेल लेंगे इसको और इसमें ये स्टफिंग डाल लेंगे। स्टफिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं और पराठे का साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको अच्छे से इस तरीके से क्लोज़ कर देंगे। अच्छे से करना है इसको बंद इसी तरीके से। और अब इसको बेल लेंगे सूखा आटा लगा के, इसको अच्छे से ऐसे हल्के हाथ से बेलेंगे नहीं तो इसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। देखिए बेल चुका है, मैंने एकदम पतला सा बेला है तरीके से। इसी तरीके से और मैं ये तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको डाल देंगे, संभाल के डालेंगे नहीं तो आपके ऊपर ऑयल भी आ सकता है। इसी तरीके से और अभी इसको थोड़ा सा इस तरीके से पलट के अभी इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अच्छे से लगा देंगे ऑयल, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तरीके से
दूसरी साइड में भी लगा देंगे ऑयल। इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे चारों तरफ। और इसको पलट दिया मैंने, ये देखिए सिक गया अच्छे से। इसको दोनों तरफ अच्छे से पलट पलट के सेंक लेंगे इस तरीके से। देखिए सिक गए हैं। लीजिए आपके हेल्दी गर्मा गर्म परोठे बनके तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे परोठे बने हैं। आई होप जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी।